और इसमें खुर्शीद पेन के आते हैं, इसमें मिलत कंपनी के आते हैं, इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आती है। ये रिमोट से ऑपरेट होता है, इसका रिमोट दिया हुआ, इसमें स्लो तेज का ऑन ऑफ का टाइम है। बैटरी पे भी कर सकते हैं और आप बिजली पे भी कर सकते हैं। बिजली पे भी चला सकते हैं। मैंने आपको कनेक्शन बताया, एसी और डीसी कहलाता है। एसी मतलब 220 होता है और डीसी जो है वो बैटरी सिस्टम है। पंखे से आप समझ लें कि 40% इलेक्ट्रिसिटी कम कंजम्पशन का फ़र्क पड़ जाता है इसमें। ठीक है, 1000 रुपये का बिल आता है, तो ये लगाने से आपका 600-700 रुपये का बिल आता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू अनम विद फ्रेंड जस्टिन ब्लॉग। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मोस्टली मेरी वीडियोस जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ पर किस प्राइसेस में मिल रही है। तो आज का ब्लॉग भी कुछ स्पेशली होने वाला है कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जो है लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इसके अलावा जो है महंगाई इतनी ज़्यादा ऊपर चढ़ाई जा रही है, तो हर बंदा जो है एसी अफोर्ड नहीं कर सकता और इसके अलावा लाइट्स ही नहीं होती तो एसी बंदा कहाँ से अफोर्ड करेगा। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको एसी डीसी फैंस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जिसमें जो है आपको शॉप ऑनर बताएंगे कि जो अगर आपकी लाइट्स चली भी जाती हैं तो आप किस तरीके से जो है इन फैंस को ऑपरेट कर सकते हैं। और स्टार्ट में बता दूं कि ये शॉप भी जो है होलसेल ही है, तो यहाँ पे आपको प्राइसेस भी जो है होलसेल के हवाले से ही मिलेंगी। और ये मेन बोरा पीर पर है, इसका कम्प्लीट एड्रेस जो है आपको शॉप ऑनर खुद बताएँगे। और इसके अलावा नए आने वाले लोगों से गुजारिश करूँगी कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर मेरे चैनल पर जो भी वीडियो करेगा उसका नोटिफिकेशन जो आपको ईजिली मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान। अच्छा निशान भाई, पहले तो ये बताएं आपके पास क्या क्या वैरायटीज़ हैं और रेट्स वगैरह के हवाले से थोड़ा बताएं। स्टार्ट में हमारे पास सीलिंग फैंस हैं, एग्जॉस्ट फैंस हैं, पेडिस्टल फैंस हैं, ब्रैकेट फैन है, फ़ैन की सारी कंप्लीट वैरायटी है। ब्रांडेड कंपनी से लेकर अच्छी क्वालिटी के, मीडियम क्वालिटी के, हर रेट के हमारे पास पंखे होते हैं। कम रेट के भी हैं और ज़्यादा रेट के भी हैं, हर रेट के हिसाब से हैं, हर किसी के बजट के हिसाब से हमारे। अच्छा, हमारी कोशिश ये होती है कि उस शॉप को विज़िट करें जहाँ पर रेट कम से कम हो, मार्केट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उसका जो है रूट्स होने चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर निशान भाई वो बात है, ठीक है। ये तो भोरा पीर की इलेक्ट्रिक मार्केट है, ये होलसेल मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो रिटेल का काम होता नहीं, होलसेल का काम होता है और बहुत मुनासिब प्राइस पर काम होता है यहाँ पर, ठीक है। ये कराची का सेंटर पड़ता है, यहाँ पर हर किस्म की मार्केट होती है। यहाँ पर सैनिटरी की मार्केट है, आगे पीछे कलर की है। तो एक कस्टमर अगर घर बनाने के लिए आता है तो उसको यहाँ पर सारी कम्प्लीट वैरायटी मिल जाती है, हर चीज़ का सामान मिल जाता है, ठीक है। निशान भाई, अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, लोड शेडिंग ने तो जीना आराम कर दिया है सबका, सही है। तो जो एसीडीसी की जो काफ़ी रिक्वेस्ट है, डिमांड है कि वो फैंस कहाँ पर हैं वो दिखाएं, तो आप हमें पूरा गाइड भी करना है उसके हवाले से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ का आप कंप्लीट एड्रेस बता दें व्यूअर्स को। ये भोरा पीर इलेक्ट्रिक मार्केट कहलाती है, ये सिविल हॉस्पिटल के पास है और दिल पसंद के बैक साइड कहलाती है, ठीक है। दिल पसंद के बैक साइड पर पड़ता है और मेन रोड की मार्केट है भोरा पीर इलेक्ट्रिक, ठीक है। निशान भाई, आप ऑनलाइन पर अवेलेबल हैं? जी, ऑनलाइन भी करते हैं हम, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस भी है हमारे पास, ठीक है। और कस्टमर को डिलीवरी भी कर देते हैं हम। चले भाई निशान भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीसी फैंस जो कहलाते हैं, सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं, फिर दुकान पूरी कवर करेंगे। काफ़ी वैरायटी आती है हमारे पास एसी डीसी में। जीएफसी का आता है, रॉयल फैन आते हैं, पाक फैन आते हैं और इसमें खुर्शीद फैन के आते हैं, इसमें मिलत कंपनी के आते हैं, इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आती है, ठीक है। एसी डीसी में, अच्छा एसी डीसी ये डिज़ाइन है, देखें इसमें एसी डीसी में ये डिज़ाइन आता है, एसी डीसी में ये प्लेन में आता है, फिर ये डिज़ाइन आते हैं एसी डीसी में, ये मॉडल आता है, ये मॉडल आता है और इसके अलावा ये मॉडल आता है, ये जीएफसी की वैरायटी है सारी। अच्छा अच्छा, इसके अलावा आप आगे आ जाएँ तो इसके अलावा फिर इसमें ये सब पाकिस्तान की वैरायटी है, इसमें ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन है, इसके ऊपर ये वाला डिज़ाइन है, इसमें ये मिल जाते हैं डिज़ाइन, इसमें सादा प्लेन वाइट भी आता है और ये ऊपर वाले डिज़ाइन मिल जाते हैं। अच्छा निशान भाई, ये बताएं कि इसकी जो वोल्टेज वगैरह है, इसके पावर है, एसी डीसी सब बताएं इसके बारे में। पंखे से बिजली कम खर्च करता है, एसी डीसी का पंखा लेता है 50 वाट 50 वाट लेता है, ठीक है। और आम पंखा जो है वो लेता है 75-80 वाट लेता है। तो आम पंखे से आप समझ लें कि 40% इलेक्ट्रिसिटी कम कंजम्पशन का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। और इसमें 1-3 साल इसकी मोटर की गारंटी होती है, 6 महीने इसके सर्किट की गारंटी होती है और प्लस 3 साल की फ्री होम सर्विस गारंटी होती है। अगर कोई फॉल्ट होता है तो कंपनी का नुमाइंदा कर जाता है, सर्किट चेंज कर जाता है, फ्री होम सर्विस कोई चार्जेस नहीं होते इसके। अच्छा निशान भाई, ऑपरेट कैसे होता है ये? ये आम पंखे की तरह ही चलता है, जैसा आम पंखा होता है ये इसी तरह का होता है, इसमें कोई अलग से फंक्शन नहीं होता। अच्छा, डीसी के वायर लगे हुए होते हैं, डीसी का अगर आपके पास बैटरी सिस्टम है तो आप डीसी के वायर डीसी में लगाएंगे और बैटरी के और बिजली का जो है वो बिजली में लगाएंगे बस। अच्छा, इसमें कोई अलग से कोई वो नहीं होता, इसमें इंस्टॉलेशन की कोई अलग चीज़ नहीं है, आम पंखे की तरह ही फिक्स होता है ये।
इससे बिल पे कोई इफेक्ट पड़ता है हमारे? बिल पे आप समझ लें कि इसमें 30-40% का फ़र्क पड़ता है। आम पंखा अगर आपका मिसाल के तौर पे 1000 रुपये का बिल आता है तो ये लगाने से आपका 600-700 रुपये का बिल आता है, इतना तकरीबन फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा निशान भाई, वो भी इसमें क्वालिटी होती है कि जो सोते रहें और लाइट चले जाए और पंखा चलता रहे, वो सब ऐसा है? इसमें फिर बैटरी लगानी पड़ती है, ये सिस्टम बेसिकली वही उसी तरह से होता है ये, लेकिन इसके लिए बैटरी लगानी पड़ती है साथ में। अगर आपके पास जैसा ऐसा UPS की तरह ये काम करता है, UPS लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने पंखा बैटरी पे कनेक्ट कर दिया, ये पंखा 220 से ऑपरेट होगा, जब लाइट जाएगी तो ऑटोमेटिक बैटरी पे कन्वर्ट हो जाएगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर सिस्टम लगा होता है तो आपको कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे स्विच घुमा रहे हैं चेंज कर रहे हैं, इसमें ये चक्कर नहीं है। इस तरह UPS ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ये भी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, कौन सी बैटरी लगानी चाहिए इसमें, कितने वोल्टेज की चाहिए? मतलब मैक्सिमम अगर 50 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो वो आपका 1.5 घंटे का बैकअप देगा। अच्छा। अब जितनी आप हैवी बैटरी लगाते हैं उसके हिसाब से वो पंखा आपको बैकअप देगा, जितना आपको बैकअप चाहिए उसके हिसाब से आप बैटरी लगाएं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, तो वो उस हिसाब से बैटरी लगती है। ठीक है निशान भाई, अभी कौन कौन सी वेराइटीज़ अभी पड़ी और रेट के हवाले से बताएं, जो अभी जो महंगाई की फ्लक्चुएशन हो रही है, डॉलर की फ्लक्चुएशन हो रही है, उसमें इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्राइस पे, और अभी बढ़े भी हैं? अभी प्राइस तो अभी बढ़े हैं और अभी 1 तारीख के बाद फिर न्यू प्राइस लिस्ट आ रही है, क्योंकि लाजिम है पेट्रोल आपको पता है काफ़ी महंगा हो गया है। जी जी, तो वो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस काफ़ी बढ़ गए हैं। हाँ, तो रेट अभी जो है 1 तारीख के बाद दोबारा इंक्रीज होंगे। ठीक है, पेट्रोल तो रुक ही नहीं रहा ना निशान भाई? तो वैसे भी नहीं रुक रहा, फिर आपको पता डॉलर भी नहीं रुक रहा। अच्छा, इसमें एक ये है कि हमारे पास ये तो ब्रांड के जो पंखे हैं ना, हाँ, इनके रेट होते हैं थोड़े ज़्यादा, 6,500-7,000-8,000, लाजिम में ब्रांड होता है तो ब्रांड के भी पैसे होते हैं। ठीक हमारे है। पास कुछ मीडियम रेंज के पंखे भी हैं, अच्छी क्वालिटी में, कम रेट के भी हैं, मैं आपको जी निशान भाई रेंज के साथ बताएंगे तो ज़्यादा सही समझ आएगा। ये फैंसी वैरायटी है सारी, इसमें सादे भी आते हैं, प्लेन वाइट भी आते हैं, इसमें फैंसी भी आते हैं। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के कॉपर वाइंडिंग के मीडियम क्वालिटी के पंखे हैं। ठीक है, ये आप समझ लेंगे 4,500 रुपये से लेकर और 5,000-5,500 रुपये तक का इसका पंखा है। अच्छा, ज़बरदस्त यार, सिर्फ 4,500 से स्टार्ट है ये? 4,500 से स्टार्ट है इसमें। इसका सादा पंखा आप प्लेन वाइट लेते हैं तो वो 4,000 रुपये का, ये प्योर कॉपर की वाइंडिंग में है और 2 साल इसकी गारंटी है। अच्छा, जैसा आम पंखा भी कॉपर की वाइंडिंग में होता है, ये भी कॉपर की वाइंडिंग में, लेकिन ये अनब्रांडेड है, ब्रांड का इसका नाम के पैसे होते हैं जैसे उसके नाम के, तो ये इस नाम की वजह से थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है पंखा। अच्छा, और इसकी क्या इसकी वारंटी गारंटी है? 2 साल की गारंटी होती है रिप्लेसमेंट। ठीक है, और ब्रांड में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि उसकी 3 साल गारंटी होती है, इसकी 2 साल गारंटी है। ख़राब हो जाता है, जल जाता है पंखा, कस्टमर को रिप्लेस करके देते हैं, चेंज करके, रिपेयर नहीं होता ये, 2 साल की इसके रिप्लेसमेंट गारंटी होती है पंखी। अच्छा निशान भाई, ब्रांड में कौन कौन से आप वो भी बता दें। अच्छा, ब्रांड में हमारे पास जैसे ये लगे हुए हैं, ये सोनेक्स कंपनी के पंखे। अच्छा, ये वाले ट्रेन लगी हुई सोनेक्स कंपनी की, इसमें सादे भी हैं, इसमें डिज़ाइन वाले हैं, इसमें फैंसी वैरायटी है। ठीक है, अच्छा, ये भी सोनेक्स, ये भी सोनेक्स कंपनी के ही है। रेट्स बता दें, क्या रेट फोर ब्लेड में, जैसे इस डिज़ाइन में अगर आप 3 ब्लेड में लेते हैं तो ये 8,500 का पड़ता है, ये 4 ब्लेड में लेते हैं तो ये 9,500 का पड़ता है। फिर इसमें आप नीचे आ जाएं तो फिर थोड़ा सा मीडियम रेंज के ये कलर वाले पंखे हैं, ये 6,500 रुपये के पड़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर आप इसमें इस तरह के प्लेट्स वाले पंखों में जाएंगे तो ये तकरीबन 7,000 के करीब पड़ता है। इसमें सादा प्लेन वाइट भी आता है, ये प्लेन वाइट इसका 5,800 रुपये करीब का पंखा है। अच्छा, मतलब प्लेन है एकदम, ये प्लेन पंखा है, वाइट ऑफ वाइट आता है इसमें। ठीक है, और 3 पर वाले हैं ये? 3 ब्लेड वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आप इसमें आ जाइए, हमारे पास रॉयल फैन की सारी वैरायटी है, ये कंप्लीट रेंज है सब रॉयल फैन के पंखे। ये वाली जी, ये सारे कंप्लीट रोज है, ये सब रॉयल फैन की है सर। अच्छा, इसके भी रेट्स बता दें निशान भाई, क्या रेट्स हैं? मॉडल वाइज अलग अलग रेट हैं, ये आप समझ लें कि 6,800 से तकरीबन स्टार्ट हैं और 9,500 रुपये तक का इस प्राइस रेंज में पंखा है 3 ब्लेड में। मॉडल वाइज, कैटेगरी वाइज अलग अलग रेट हैं, वो भी सब प्रॉपर की वाइंडिंग में, सबकी 3-3 साल गारंटी है। ठीक है, बस रॉयल फैन के पंखे में खासियत है कि रॉयल फैन की लाइफ टाइम गारंटी होती है 18 साल की। अच्छा, 5 साल दुकान की गारंटी होती है, 13 साल कंपनी की गारंटी होती है। उर्दू बाज़ार पर कंपनी का सर्विस सेंटर है, 5 साल गारंटी यहाँ से क्लेम होती है, 13 साल गारंटी वहाँ से क्लेम होती है। ये एक वाहिद पंखा है जिसकी गारंटी सबसे ज़्यादा आती है, जो कंपनी लाइफ टाइम गारंटी देती है। बाकी हर कंपनी की GFC आता है, पाकफन आता है, मिल्लत आता है, इन सब की जो है वो 3-3 साल गारंटी होती है। इसमें आपको गारंटी में बेनिफिट मिल जाता है रॉयल फैन का। अच्छा, कोई बताइएगा कौन सा बॉक्स है इनका? ये इस तरह का बॉक्स होता है, ये इसका सादे पंखे का बॉक्स है, इसी बॉक्स में जो है वो फैंसी भी आते हैं। इसके अलावा फिर इसमें आ जाए तो ये फिर सारे GFC फैन के हैं सब। कौन से वाले? ये सारे GFC फैन के पंखे, ये सब GFC ब्रांड के हैं। ये भी सब कॉपर की वाइंडिंग में, इनकी भी 3-3 साल गारंटी है।
ख़राब हो जाता है, जल जाता है पंखा, ये हम कस्टमर को नया देते हैं चेंज करने। ठीक है, इनके क्या रेट्स हैं? ये इसके भी आप समझ लेंगे 6,500 रुपये से स्टार्ट है और 8,500-9,000 रुपये तक का है, वही डिफरेंट प्राइस रेंज के हिसाब से। सही, मॉडल वाइज सबके अलग अलग रेट हैं। अच्छा, इसके अलावा ये पार्क पेन के फैन है सारे। अच्छा, यहाँ पार्क पेन में थोड़ी सी वैरायटी ज़रा कम आती है, मगर पार्क पेन को लाखों में आपको पता है ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है, नाम से पंखा बिकता है। हाँ, ये पार्क पेन के पंखे सारे, ये भी सब कॉपर की वाइंडिंग में, इसकी भी सबकी डिजाइन, सब पार्क पेन के, सब पार्क पेन के डिज़ाइन सारे। ठीक है, इसके क्या रेट्स हैं अभी? इसके भी आप समझ लें ये थोड़ा सा आम पंखों से महंगा होता है पार्क पेन, ये 7,000 रुपये से 6,500 रुपये से स्टार्ट है। बड़ी मोटर का इसका पंखा लेते हैं तो तकरीबन 7,200-7,500 का पंखा आता है। अच्छा, फिर 7,500 का, 8,000 का, 9,000 रुपये का, जैसे इस तरह का पंखा आता है, इस तरह का ये तकरीबन 9,000 रुपये का है। क्यों महंगा है ये निशान भाई, इसके रेट क्यों ज़्यादा है? आम ये बड़ी मोटर का पंखा है ये, और पार्क पेन का पंखा वैसे भी जो है वो मैार में आम पंखों से थोड़ा सा बेहतर होता है, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है। ठीक है, ये 5 ब्लेड के फैन है सारे, ये रॉयल फैन के हैं, इसके ब्लेड भी इसी तरह जो होते हैं गोल्डन कलर वाले। अच्छा, लाइट ब्राउन के साथ लाइट ब्राउन होते हैं, डार्क ब्राउन के साथ डार्क होते हैं, ये सारे रॉयल फैन के पंखे लगे हुए हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आ जाएंगे तो फिर ये पार्क फैन की वैरायटी है सारी, ये पार्क फैन के, पार्क फैन की वैरायटी है। इसका फुल डिज़ाइन भी यहाँ बना हुआ है सामने पोस्टर पर, जो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इसके ऊपर जाते हैं तो फिर ये GFC के आ जाते हैं, फैंसी वैरायटी सारे 5 ब्लेड वाले। अच्छा निशान भाई, ये बताएं, लोगों के जहन में सवाल होगा कि इसमें 5 पढ़ दिए हैं जी, तो ये ज़्यादा वोल्टेज लेता होगा, वो भी बताएं थोड़ा। लेता है ये वॉट, मैंने आपसे कहा ना कि पंखा, आम पंखा जो है वो उसकी वोल्टेज सेम होती है, 75-80 वॉट ही लेता है। ये अच्छा, सिर्फ फैंसी पंखा है, बिजली ये सेम खर्च करता है, 75-80 वॉट ही लेता है, मगर ये खूबसूरत पंखा है, जदीद दौर का है, आम पंखों से जो है वो ज़रा स्टाइलिश है, खूबसूरत। अच्छा ठीक है, इनके क्या रेट्स हैं वो भी बता दें। ये आप समझ लें कि 11,000 रुपये से स्टार्ट है और तकरीबन 14,500-15,000 रुपये तक का इसका पंखा होता है, मॉडल के हिसाब से अलग अलग रेट होता है। अच्छा, ये मिल्लत कंपनी का ACDC का फैन है। ठीक है, अच्छा इसमें खूबसूरत डिज़ाइन होता है, सर्किट कह रहा था, सर्किट होता है इसमें, साढ़े छः। अच्छा, ये इसका वायर होता है, देखें ये AC का वायर होता है, जो मैंने कहा कि AC का वायर AC में जॉइंट हो जाता है, ये DC का वायर DC में जॉइंट हो जाएगा अगर आपके पास बैटरी है तो। सही है। अच्छा, ये इसका रिमोट का सेंसर होता है जो उसमें बाहर लगता है, कैनोपी के बाहर अटैच होता है, जिससे रिमोट इसका आपका काम करे। अच्छा, ये इसका सर्किट होता है जिसकी 6 महीने की गारंटी होती है रिप्लेसमेंट। ये मिल्लत कंपनी वालों का फ़ैन है ये। ठीक है, प्योर कॉपर में होता है, 99.9% कॉपर में होता है, 3 साल इसकी मोटर गारंटी होती है, 6 महीने इसकी सर्किट की गारंटी होती है। सही है। शान भाई, इसके क्या रेट बताएं आपने इस वाले के? इसके ये फैंसी है, ये 7,000 रुपये का है, इसमें जो सादा आता है सादा 6,500 रुपये का होता है। ठीक है, और रिमोट से ऑपरेट होता है? ये रिमोट से ऑपरेट होता है, इसका रिमोट दिया हुआ, इसमें स्लो तेज का, ऑन ऑफ का टाइमर दिया हुआ, इसमें इको मोड दिया हुआ, इसमें टाइमर दिया हुआ, इसमें स्मार्ट मोड दिया हुआ, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन। अरे निशान भाई, ये बताएं कि कितना उसको हम रन कर सकते हैं एक टाइम में, 5 घंटे 6 घंटे? या इसमें वो इसको स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है, ये आप 24/7 चलाएं, ऐसा तो 24 घंटा भी चलाएं और तो नहीं जाएगा, कोई मसला नहीं है, ख़राब नहीं होता, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, पायदार चीज़ है, ब्रांडेड कंपनी की। ठीक है, लोकल भी आता है, लेकिन लोकल में फिर वही प्रॉब्लम होती है कि आप जरूर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़राब हो जाता है फैन लोकल में। ठीक, बैटरी पे भी कर सकते हैं और आप बिजली पे भी कर सकते हैं। बिजली पे भी कर सकते हैं, बिजली पे भी चला सकते हैं, मैंने आपको कनेक्शन बताया, AC और DC कहलाता है, AC मतलब 220 होता है और DC जो है वो बैटरी सिस्टम होगा। हमारा नंबर है 0331-2058-136, यू फोन का नंबर है, आप इसमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, 9 बजे के बाद नहीं, हमारी दुकान 9 बजे बंद हो जाती है, तो दिन में आप 12 बजे हमारी दुकान खुलती है, उसके बाद आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और डिलीवरी आपको जो है वो हफ्ते के 7 दिन डिलीवरी हो जाएगी हमारी। गाइस, उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, उम्मीद तो यही है कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ACDC फैंस के हवाले से जो है मिल गई होगी, तो कमेंट सेक्शन में आप बताना ना भूलिएगा कि नेक्स्ट इस कॉन्टेंट पर जो आप मेरे चैनल पर वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।